नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भोपाल, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यालय में प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल और जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। पत्रकारों को संबोधित करते हुए रजनीश अग्रवाल ने बताया कि कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष जन्म अष्टमी 2021 से जन्म अष्टमी 2022 तक संगठन पर्व मनाया जा रहा है। 20 जनवरी से 30 जनवरी तक बूथ समिति का पंजीकरण शुरू होगा। 65,000 विस्तारक 20,000 बूथ पर जाएंगे। 22 काम बूथ समिति को आवंटित किए गए हैं। बूथ का ग्रेडेशन होगा। 70% से जहां वोट मिलता रहा है उसको A+ ग्रेड दिया जाएगा। स्वावलंबी बूथ और सक्षम मंडल का भी अभियान चलाया है। 20 जनवरी को प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा राजनगर विधानसभा और 20 जनवरी को प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा राजनगर विधानसभा और 21 जनवरी को सीएम शिवराज सिंह सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र से बूथ विस्तारक योजना का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उमा भारती भी होंगे शामिल। मीडिया प्रभारी राजेंद्र गुप्ता जी, आप सभी को पता है कि प्रत्येक कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शती वर्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ये पूरे साल संगठन पर्व के तौर पर आयोजित कर रही है। भैया, बीते जन्माष्टमी से थोड़ा सा हाथ ऐसे कर लो और आने वाली जन्माष्टमी तक ये तमाम प्रकार के जो संगठन के आयाम है, चाहे संगठन से जुड़े होंगे, उसके सुदृढ़ीकरण मजबूती से वैचारिक वृद्धि वैचारिक विस्तार का पक्ष है और आचरण व्यवहार पद्धति परंपराओं के विकास का मामला, इन तीनों स्तरों पर इस वर्ष अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। एक बड़ा अभियान, एक बड़ा कार्यक्रम, क्योंकि श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे संगठन के प्रति समर्पण भाव से संगठन की मजबूती के लिए संगठन के विस्तार के लिए जुटे रहे, इसलिए उसी भावना के साथ उनकी परंपरा के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के 20,000 बूथ विस्तारक पूरे मध्य प्रदेश के हर बूथों पर 10 दिनों में जाने वाले हैं। 20 जनवरी से बूथ विस्तारकों का प्रवास बूथों पर प्रारंभ हो जाएगा। आप सब इस योजना से जुड़े रहे हैं और समय समय पर पत्रकार वार्ताओं के माध्यम से या अन्य कार्यक्रमों के आयोजनों से आपको पता चलता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की इस योजना में 26 दिसंबर को हमने जो मंडल विस्तारकों की कार्यशालाएं थी उनके प्रशिक्षकों का एक प्रशिक्षण वर्ग यानी मास्टर ट्रेनर्स का ट्रेनिंग कैंप, फिर 5 और 6 जनवरी को मध्य प्रदेश के 14 स्थानों पर सभी मंडल विस्तारक और मंडल अध्यक्षों की कार्यशाला, उसके बाद में मंडल विस्तारकों का अपने अपने मंडलों में जाकर ऐप में जो समितियों का पंजीकरण है वो तो होगा ही, एक रजिस्टर भी दिया गया है उसमें भी पंजीकरण होगा, तमाम प्रकार के जो सूचियां हैं उसमें लिपिबद्ध होंगी, लेकिन इसके साथ साथ किसी परिवार में भोजन, परिवार का चयन, किसी परिवार में चाय, हितग्राहियों से संपर्क, अगर कोई खेल कूद के छोटा आयोजन है कोविड प्रोटोकॉल में तो उसमें सम्मिलित होना, देव स्थान में जाना, बूथ समिति का प्रशिक्षण करना, हमने 22 काम बूथ समिति के तय किए हैं। अखिल भारतीय मार्गदर्शन के अनुसार उन 22 कामों का मैं एक बार उल्लेख करता हूँ तो आपके भी ध्यान में आएंगे। पहली बात, 6 काम बूथ स्तर पर करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तय है। 6 अप्रैल स्थापना दिवस, 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती, 23 जून डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस, जन्माष्टमी को कुशाभाऊ ठाकरे जी की जयंती, 25 सितंबर दीनदयाल जयंती और 25 दिसंबर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल जी की जयंती। इन 6 कार्यक्रमों को बूथ पर आयोजन करना, इनकी टोली बनाना, अलग अलग काम करना, पन्ना समिति का सुदृढ़ीकरण करना, मजबूती के साथ में आगे बढ़ाना। हमने बूथों का भी ग्रेडेशन किया है जो चुनाव के आधार पर होगा, 2 विधानसभा के चुनाव और 1 लोकसभा का चुनाव। हमारा कौन सा बूथ ए है, कौन सा बूथ बी है, कौन सा बूथ सी है, जब हाँ कहीं हम जीतते ही नहीं है, कभी जीत जाते हैं कभी हार जाते हैं, जहां जीतते रहते हैं और जीतते रहते हैं तो 70% से ज्यादा जहां वोट हमें लगातार मिलते हैं उसको हम A+ की ग्रेडेशन भी अलग से देने वाले हैं। तो ये ग्रेडेशन देने का काम भी बूथ की टीम आने वाले समय में करेगी, लेकिन
सी वाला बूथ बी में आ पाए, बी वाला बूथ ए में आ पाए और ए वाला बूथ ए प्लस में कैसे बने, जो हमारा 51% जनाधार गंवाने वाला काम है वो इस पूरी समीक्षा के दौरान होगा। काम पर जो हमसे जुड़े नहीं उनको जोड़ने का काम, वो जो जुड़े हैं उनको जुड़े रखने का काम, जो कार्यकर्ता हैं उनको प्रशिक्षित करने का काम, जो अभी हितचिंतक हैं उनको कार्यकर्ता बनाने का काम, ये हम करने वाले हैं इस पूरे कार्यक्रम के दौरान। मुझे लगता है कि ये अभियान दुनिया का सबसे बड़ा तो है ही, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत ही निश्चित तौर पर सीखने वाला, सिखाने वाला और आगे बढ़ाने वाला है। हम लगातार इस कार्यक्रम में और कई आयाम जोड़ते जाएंगे, क्योंकि जो संगठन ऐप बना है वो मात्र एक बार के लिए नहीं, आगे भी इस ऐप के माध्यम से हम कई प्रकार की गतिविधियां चलाने वाले हैं। सोशल मीडिया का पक्ष भी इस ऐप के माध्यम से जुड़ने वाला है, जो आने वाले समय में हम उद्घाटित करेंगे आप सब लोगों के साथ में। तो इस ऐप से बूथ का भी कार्यकर्ता सोशल मीडिया से कनेक्ट कैसे हो हमारे नेतृत्व के साथ में, हमारे जो तमाम फोरम है सोशल मीडिया के, मैं किसी एक का नाम नहीं लेता, उन फोरम पर जो बीजेपी के नेशनल और स्टेट के हैंडल्स हैं उनके साथ भी कैसे जुड़ने का काम करें, उस तरफ भी हम बढ़ने का काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर नई सदी की भारतीय जनता पार्टी पुरानी परंपराओं के साथ, वही दर्शन उसी विचारधारा के साथ, उसी परंपरा के साथ में और उसी तमाम प्रकार के जो हमारी रीति रिवाज है उनके साथ में आगे बढ़ने का काम। और हमारी जो वरिष्ठ नेताओं की पीढ़ी है और जो अपने आप को खपा चुके हैं, वो जहां भी होंगे देख रहे होंगे कि उनकी नई पीढ़ी भी उन्हीं के सपनों को साकार करने में जुटी हुई है, लगी हुई है और संगठन को नई तकनीक नई युग के साथ में आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मुझे इतना ही कहना था, आप लोगों के कोई सवाल मैंने तीन बातें कही। एक, संगठन के विस्तार को, जनाधार को बढ़ाने वाला। दूसरा, मैंने कहा कि जैसी हमारी विचारधारा में समृद्धि हो, विचारधारा का विस्तार हो, हमारी विचारधारा सदैव राष्ट्र प्रथम है। एक वाक्य में कहूं, राष्ट्र प्रथम नहीं, राष्ट्र को जो अच्छा है वो भाजपा के लिए अच्छा है, भारत माता की जय के लिए जो ठीक है वो हमारे लिए ठीक है, एक वाक्य की परिभाषा। और तीसरी बात, जो ठाकरे जी की परंपराएं, आचरण, लोक व्यवहार, सादगी, सरलता, सुचिता, ये तमाम प्रकार के पक्ष कई बार सरकार में रहने के कारण इन पक्ष को और जोड़ देना पड़ता है। इन पक्ष के जो ठाकरे जी के रहे हैं उनको हम अमली जामा पहना है, हम अपने आचरण में लाए, तो ये तीनों प्रकार के साथ साथ चलने वाले हैं। ठीक, ये वो बूथ का कार्यकर्ता बूथ पर आइडेंटिफाई करेगा और उनको कोई जोड़ना ही है ऐसा जरूरी नहीं है। नहीं, लेकिन ये आपने इसको रखा है ना पॉइंट 22 जो आपके पॉइंट में, आपकी नहीं होंगे सर कुछ अच्छे नेता जिनको लाना हो कांग्रेस में। मैंने कहा कि अच्छे नेता हर पार्टी में होते हैं, अच्छे लोग भाजपा में रहे हमारा सोच है। सर ऐसे जो बूथ का कार्यकर्ता बूथ पे चयन करेगा, दिग्विजय सिंह से संपर्क करेंगे क्या? मैंने कहा कि बूथ का कार्यकर्ता वो जिस बूथ पर जो कार्यकर्ता होगा और हमारे बूथ को कार्यकर्ता लगेगा कि फलाने जी अच्छे हैं और ये वहां क्यों है फंसे हुए हैं, वो उनके पार्टी में उनका ना ना देश का कोई उद्धार हो सकता है, क्योंकि ये सब कामकाज राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के लिए जो अच्छा होगा वो हमारे लिए अच्छा है। तो दिग्विजय सिंह आपको अच्छे लगते हैं क्या? इस भूमिका में रहेगा जो हमारी बूथ की समिति, पन्ना समिति और की वोटर्सों को इस संगठन के ऐप में उनकी जानकारी को अपलोड करेंगे और इस प्रकार से पूरे भोपाल की संगठन की रचना इस बूथ विस्तारक योजना में। अब मैं माननीय रजनीश अग्रवाल जी से आग्रह करता हूं कि इस योजना के बारे में विस्तार से हम सबके बीच में विषय रखें। भोपाल जिले में 6 विधानसभा और अभी नई वोटर लिस्टों के आधार पर 1696 बूथ भोपाल में है और लगभग 447 शक्ति केंद्र हम लोगों ने बनाए हैं। किसी शक्ति केंद्र में 2 बूथ हैं, किसी में 3 बूथ हैं, किसी में 4 से 5 बूथ हैं। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।